केक आ रहा है। हाँ पर मैं केक आ रहा हूँ। केक आ रहा है। नहीं, पहले तुम हैंड वॉश करो फिर कप, क्योंकि तुम नीचे से खेल कर आए ना, फिर पहले हैंड वॉश करो फिर कप। क्यों करना है बानो? आजकल कोरोना वायरस दुनिया में हर जगह फैल रहा है, इसीलिए हमें हैंड वॉश करके करना है। और जब भी हम नीचे से खेल कर आते हैं हमें अच्छे से साबुन से हैंड वॉश करना है। कोरोना वायरस एक डेंजरस वायरस है। बाकी सब डिटेल्स मैं अपने लैपटॉप में दिखाऊंगा। मैंने अपने लैपटॉप में कुछ बनाया कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस एक वायरस है, उसका बड़ा फैमिली है। उसके बाहर एक एनिमल की जैसा चीज है और उसको कहते हैं क्राउन। और क्राउन के बाहर प्रोटीन स्पैक्स होते हैं। और क्राउन की क्राउन मतलब लेटिन में कोरोना, इसीलिए उसको कहते हैं कोरोना वायरस। इस वायरस को कॉमन सिम्टम्स लंग प्रॉब्लम्स, कोल्ड और निमोनिया। दोस्तों, इस फैमिली का कुछ कुछ वायरसेस बहुत डेंजरस है। सार्स चाइना में 2003 में मिला, उसको बर्ड फ्लू भी कहते हैं। मैक्स वो सऊदी अरेबिया में मिला 2012 में। और जो 2019 में मिला नोवल कोरोना वायरस, वो चाइना में 2019 में मिला। यह सब कहाँ से स्टार्ट हुआ? चाइना में वुहान करके एक शहर है जहाँ लोगों सी फूड और लाइव एनिमल्स एरियाज में वर्क करते हैं, उनमें पहली बार मिला। ये वायरस एक बीमार आदमी से हेल्थ केयर स्टाफ में और फैमिली मेंबर्स में जल्दी फैल गया। ये वायरस चाइना में शुरू होकर हर जगह फैल रहा है। ये वायरस किसी बीमार आदमी का छींकने से या तो फिर काशी करने का थूक से फैलता है। ये वायरस का सिम्टम्स है काशी करना, सांस लेने में तकलीफ होना, फीवर, निमोनिया और एक्सट्रीम केसेस में कभी कभी किडनी फेलियर भी हो सकता है। इस वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है और वैक्सीन भी नहीं है। अगर पेशेंट को ट्रीट करना है तो सपोर्टिव केयर से ट्रीट करा जाएगा। और अगर आपने किसी बीमार आदमी ने ये सिम्टम देखा तो जल्दी से अस्पताल ले चले। गुड न्यूज़, मेडिसिन और वैक्सीन अभी बना रहे हैं। तब तक ये बीमार को ये वायरस को फैलने से रोको। दोस्तों, इस वायरस को फैलने से कैसे रोका जाएगा? अगर कोई बीमार आदमी छींकने से या तो फिर काशी करने से एटलीस्ट 1 मीटर दूर रहो, और अगर बाहर किसी चीज को टच किया तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर या तो फिर वो सोप और वाटर के साथ हैंड वॉश करो। और बिना हैंड वॉश चेहरे को या तो फिर आईज को, मुंह में, नाक में हाथ डालना बंद करो। और जहाँ पर लाइव एनिमल्स और मीट बेचते हैं उस जगह पर मत कर जाओ। और जहाँ पर वो वायरस फैल रखा है उस प्लेसेस में भी बच जाओ। दूसरों को शेक हैंड करना बंद करो और इंडियन स्टाइल में नमस्ते करो। दोस्तों, हम सब मिलकर इस वायरस को डिफीट कर सकते हैं। और रोमस को नहीं, इस वीडियो को शेयर करो। और अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो विजिट www.who.in वेबसाइट को खोलो, फिर देखो। टीम खुशी एंड बानू देखो वायरस के
कितना डेंजरस है और कितना तेजी से फैलता है। किसको भी टच नहीं किया। वरना ऐसा नहीं है कि किसी को टच नहीं करने से वायरस तुम्हें नहीं आ सकता है। वायरस हर जगह पे बहुत दिनों तक रहता है। जैसे कि जब तुम नीचे जाती हो स्टेयर रेल को पकड़ के जाती हो तब हाथ तुम्हारे हाथ पे वायरस लग जाएगा। फिर अगर तुम घूमने रहोगी तो वायरस तुम्हारे अंदर जाएगा। भानु ये देखो ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है। भानु मान लो कि वो व्हाइट कलर वाला वायरस है। मानो देखो तुम्हारा हाथ पे भी वायरस लग गया। देखो चलो नीचे चलते हैं। तुम्हारा हाथ पे भी वायरस है। पहले हो तुम्हारा हर जगह पे वायरस होता है। प्लेग्राउंड में स्कूल में हर जगह वायरस होता है। इसलिए हम टच में हमें टच नहीं करना चाहिए। और अगर टच किया तो हमारा हाथ पे लग सकता है। इसीलिए घर आते हुए ही हमें हैंड वॉश करना है। टीके भैया मैं वालों नीचे आते हुए ही आंख में नाक में मुंह में हाथ में डालना चाहिए बिना हैंड वॉश। तो हैंड वॉश करो। बानो ऐसे नहीं सोप से 20 सेकेंड्स तक ऐसे हैंड वॉश करो। कोनस में भी और नेल्स में भी हैंड वॉश करो सोप से। बानो आ मामा का केक आते हैं। चलो बानो लेट्स हैव केक। मैं वैसे केक। हाय फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको इस वीडियो से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिला तो लाइक करो सब्सक्राइब करो और शेयर करो और बेल आइकन दबाओ क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो रिलीज कर दूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बाय।